السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه

बदतरीन दौर था इंतहाई तारीकी में डूबा हुआ वो वक्त और दौर था हर तरफ़ जुलम ज़्याती नासाफ़ी लूट खसूट का बाज़ार और इस तरह का माहौल गर्म था तोहीद से बेजारी बुतों से प्यार और मोहब्बत उनकी ताज़ीम उनसे दुआ और मुनाजात का सिलसिला था और शराफत का जो दौर था वह बिल्कुल नापेद हो चुका था हती कि इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा बन चुका था और जहालत इस कदर आम थी मामूली मामूली बातों पे लड़ाई झगड़े दंगा और फसाद शुरू होता और वो मामूली सी बात की वजह से शुरू हुआ जो झगड़ा है लड़ाई है जंगो जिदाल का माहौल बन जाता और कई कई साल तक वो लड़ाई वो बाहमी नफ़रतें कदूरतें अदावतें दुश्मनियाँ जारी रहती साल हा साल तक इसी तजल्जुल का वो शिकार रहते बिलाखर ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी अपना रसूल बना के इस दुनिया के अंदर मबूस फरमा दिया नबी आसलातम की आमद के बाद हालात ने यक्सर पलटा खाया और माहौल बिल्कुल पहले हालात से बरक्स होने लगा अब अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो जहन में सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद करीम अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर और ऐसे हालात में किस मकसद की तकमील के लिए भेजा गया था नबीत वसलाम किस एजेंडे के तहत दुनिया में भेजे गए आपके मकासद क्या थे आपके अजाइम और नज़रियात क्या थे और अल्लाह ताला की हमत वो पसे पर्दा क्या थी कि मैं अपने रसूल को दुनिया में भेजूं और ये जाके इस फला एजंडे के तहत काम करें और ये ये मकासद जो है उनको हासिल करें तो हर शख्स यही जानना चाहता है कि नबी आ सलातम की बेसत के मकासद क्या थे आज मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल के सूखे खोखले नारे बहुत मिलते हैं लेकिन ऐसे नाम ने शाख से अगर पूछा जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के कोई पांच मकासद ही सुना दीजिए तो शायद वो बेचारा शर्म के मारे वैसे ही डूब जाए मकासद का याद होना दूर सही उनसे किसी से सवाल कर लिया जाए कि नबी सलाम जो मनहज लेकर आए जो मिशन लेकर आए और जिन मकासद के तहत आपको दुनिया के अंदर भेजा गया क्या आप नबी सलाम की दी हुई तालीमत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यकीन ऐसे अशास जो हैं वो अपने दावों के अंदर खोखले ही नज़र आएंगे तो इसीलिए अरबी का शायर भी कहता है कि लऊ का नब्बू का सादी कन हो अगर आप अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं तो आप अपने महबूब की इताअत भी करें यही मोहब्बत की अदा है यही मोहब्बत का तकाजा है इनमहबलमई युहिब्बु मुतीउ क्योंकि कानून ये है कि मुहिब्ब अपने महबूब के ताबे होता है उसकी अदाओं पे मर मिटना अपने लिए फखर समझता है और हर वो काम करता है जो महबूब को पसंद आ जाए और उन तमाम कामों से अपने आप को बचाता है दूर रखता है जिससे महबूब की तबीयत पे वो चीज़ नागवार गुजरे गिरा गुजरे अल्लाह ताला हमें भी सही मानों में कुरान सन्नत का मतबे और पैरोकार बनाए तो हबाब गिरामी आज की नशस्त में हम नबी सलाम की जो बेसत के मकासद हैं उन मकासद के बारे में बात करेंगे ताकि हम ये देखें कि क्या उन मकासद की तकमील हमारी जिंदगी में हो चुकी है क्या हम आपके दिए गए फरामीन और तालीमत पर मन वन अमल प्यारा हैं अगर जवाब इस बात में है मुसबत जवाब आता है तो फिर तो इंतहाई ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं और अगर जवाब नफ़ी में आता है और हमारा जमीर ही हमें मुलामत करने के लिए काफी हो जाता है तो फिर प्यारे भाइयों हमें अपने ईमान की फिकर करनी चाहिए नबी बशमूल तमाम अम्बिया के रामलात उनकी जो मुश्तरिका दावत थी जो एक मेन मकसद था जो अल्लाह मकसद के तहत अम्बिया का सिलसिला जारी किया वो ये था कि दुनिया में आके वो एक रब की इबादत का दर्श दे एक रब की इबादत की लोगों के अंदर दावत को आम कर दे। सुरा नहल की छत्तीस नंबर आयत में रब ताला फरमाते हैं फी अब तनिब ताबूत हमने तमाम उम्मतों के अंदर हर जमात में हर कबीले के अंदर एक अपना पैगाम्बर अपना रसूल अपना नबी भेजा है ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह की इबादत का दर्श दें और तागूत और हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है यह हर वो चीज़ जो अल्लाह के सिवा अपनी दावत अपनी इबादत की दावत देता है उन तमाम तर तागूती हथकंडों से अपने मुआषे को बचाया जा सके दूसरे मुकाम पर अब रब अंबिया की पच्चीस नंबर आयत में फरमाते हैं, प्यारे नबी आपसे कबल जितने भी अम्बिया हमने भेजे उन तमाम की तरफ हमने जो मुश्तरिका ऐलान किया था जो दावत दी थी जो उन पर वही का नजूल हुआ था वो यही था कि ला इला मेरे नबी आप भी और अपनी क़ौम को भी ये यकीन दिला दे कि मैं ही हकीकी मबूद हूँ मेरे सिवा कोई भी मबूद नहीं है जितने भी माबूद दुनिया ने बना रखे हैं सारे के सारे माबूदाने बातिला हैं है मबूदे बरहक सिर्फ मैं हूं फाबूदून और दूसरा काम ये है कि इसके साथ साथ आपने मेरी इबादत करनी है तो अंबिया की बेसत का सबसे बड़ा मकसद लोगों को रब ताला की इबादत की दावत देना था दूसरा मकसद किताबुल्ल की तालीम देना मोहम्मद करीम अलैहि वम दुनिया में तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला ने यह किताब कुरान मजीद की सूरत में आप पर नाजिल फरमाई और ये आपके मकासद के अंदर आपके अहदाफ के अंदर ये बात शामिल फरमा दी कि आपने इस किताब की तिलावत करनी है अपनी कौम को सिखलाना है अपनी कौम को बतलाना है कि उनके रब ने उनके लिए क्या क्या पैगाम भेजे हैं जैसा कि और इसी बात की दुआ दुआया भी किया करते थे बिलखसूस इब्राहिम के बारे में आता है कि वो दुआ किया करते थे तो इस कौम के अंदर अपना एक रसूल भेज दे पेशवा मबूस फरमा दे जो क्या अलैहिम आयातिक तेरी दी गई किताब की अपनी कौम पर तिलावत कर सके और जो हमत व दानाई अल्लाह आप उसे सौंपे वो हमत दानाई अपनी कौम को मुंतकिल कर सके वयुकिम और अपनी कौम का तजकिया नफ्स करे उनके नफूस को गुनाहों से पाक करे ये इब्राहीम सलातम ने दुआ की और बाद में जब अल्लाह तबी आल सलाम को नबी बना के इस दुनिया के अंदर मबूस फरमा दिया तो फिर रब ताला ने आपकी बेसत के मकासद का तस्करा इन अल्फाज के अंदर भी किया जिसने उनके अंदर से अपना एक रसूल भेजा यतल आयाती जो रब की अता आयात उन तिलावत करते वही जकी उनका तजिया नफ्स करते वही महमल और किताब और हिकमत उनको सिखलाते थे वह इन कानून इन कबल मुबीन अगरचे आपकी आमद से कबल वह मुआशरा बड़ी गहरी गुमराही के अंदर मुबतला था तो ये दूसरा मकसद था और तीसरा मकसद अल्लाह अल्लाहत ने उस मुआशरे के अंदर जिस मुआशरे के अंदर जुल्म करना मामूली सा भी ऐब ख्याल नहीं किया जाता था इंसानियत की कोई वक्त नहीं थी इंसानियत की कोई कदर नहीं थी हर वडेरा आदमी अपने से कमजोर पर जुलम करता नजर आता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे माहौल के अंदर लोगों की जख्मों पे मरहम पट्टी करने के लिए रहमत आलमीन बनाकर भेजा गया कुरान मजीद में रबाल फरमाते हैं प्यारे नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत और शफकत का सरापा नूर बना कर भेज दिया है और अब बयान करते हैं नौ हजार दो सौ पांच नंबर रिवायत है आप सल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह तहमत के साथ और अपनी कौम के लिए रहमत बना के नाजिल फरमाया है और एक तीसरी रिवायत है सिलसिला सही के अंदर तीन हजार नौ सौ पैंतालीस पर आपने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने तान करने वाला बना के नहीं भेजा चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो चाहे कोई मुझ पे जुल्म करता है ज्यादा करता है मुझे अल्लाह ताला ने अपने पर लानत करने वाला बना के नहीं भेजा मुझे तो रब ताला ने रहमत बनाया है आज मैं भी और आप भी अपने अपने गिरेबान के अंदर जाग के मुहासबा में से हर शख्स अपने आप को उमत मोहम्मदिया का बड़ा ही काबिल फखर फर्द समझता है और फखर होना भी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि क्या हमारे हालात भी ऐसे अभी दुनिया के अंदर ऐसा मोड़ आ जाए हमारे साथ कोई ज्यादाती कर ले हमारे साथ कोई बुरा कर दे क्या हम नबी सलातम का उम्मती होने का दर्श देते हैं या हम आप सलातम की तालीमत को और आपकी बेसत के मकसद को फरामोश करके जाहलीत पर और जहालत पर उतर आते हैं और लान करना शुरू कर देते हैं जो कि मुसलमान का शेवा नहीं है ये लान करना गालम ग्लोच बकना ये मुनाफिक आदमी की रवश बयान की गई है वह ईदा खास समय फजर मुनाफे की निशानी ये है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है किसी से बहस और तकरार होता है तो वो लान पे गालम ग्लोच पे उतर आता है मोमिन आदमी नबी सलाम का उम्मती और आपका प्यारोकार कभी भी लान तान करने वाला नहीं होता और पांचवा मकसद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाने का तबशीर और इंजार था जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नहज के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं आपका यह हक बनता है कि आप उनको रब ताला की जन्नतों की खुशखबरियां सुना दें और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम की तालीमत को पसे पुष्ट डाल देते हैं फरामोश कर देते हैं उनको जहन्नुम से डराया जा सके ताकि वो भी अल्लाह ताला के अजाब से जहन्नुम की सख्तियों से डर जाएं और राह रास्त पर आ जाएं। कुरान मजीद में रब ताला फरमाते हैं सुरा सुल की छप्पन नंबर आयत है <laughs> प्यारे नबी हमने जितने भी अंबिया भेजे तमाम के तमाम अंबिया का ये मकसद था कि अपनी कौम को रब की जनतों की रहमतों की खुशखबरियां सुनाएं और रब ताला के अजाब से डराने वाले बन जाएं और सुरह हज की उनचास और इक्यावन नंबर और पचास नंबर आयात में रब ताला फरमाते हैं बोलिए अयोहन्नास इन्ना मैं अनालकुम नजीर मुबीन लोगो मैं तो मैं रब ताला की तरफ से वाजे तौर पे डराने वाला बना के भेजा गया हूँ अल्लाह के अजाब से उसकी सख्त गिरफ्त से तो मैं डराने वाला भेजा गया हूँ फल्लादीन आमनु व अमिलु सालिहात जो लोग सिद्के दिल से ईमान ले आए ईमान के तकाजों को पूरा करे आमाल सालिहा अपना ले लहुम मगफिरतु व रिज़्क़ुन करीम रब ताला ने बख्शिश के और मुअज़्ज़ज़ रिज़्क़ के परवाने जारी कर दिए जो हमारी आयात का इनकार करते हैं हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जहीम यही लोगों के लिए रब तला ने जहन्नुम तैयार कर रखी है और छठा सबब छठा मकसद जिस मकसद की और जिस हदफ की तकमील के लिए आकाए के रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर अब ताला ने मबूस फरमाया वो ये था कि आप लोगों को सिला रहमी का दर्श दे और आप दुनिया के अंदर जो मबूदाने बातिला हैं लोगों ने जो सनम कदे तराश कर रखे हैं आप उनको दुनिया में आके पाश पाश कर दे जनाबी अमर उबर आबसर तु बयान करते हैं अभी मुसलमान नहीं हुए थे नबी वसल्लम से मुलाकात हुई पूछते हैं कि आपका तारुफ क्या है नबी रहमत ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ पूछा कि यह नबी क्या होता है फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी कौम की तरफ नबी और रसूल बना के भेजा है ताकि रब ताला की तरफ से नाज़िल नाजिलशुदा अहकाम तो मैं अपनी कौम की तरफ मुंतकिल कर सकूँ अमर उबसा सवाल करते हैं कि आपको किस चीज के साथ भेजा गया है आप किस एजेंडे के तहत आए हैं आप क्या मैसेज लेके आए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरसलानी, ने मुझे ये पैगाम दिया है कि नफरतों के अंदर, कदूरतों में तासुब के अंदर और बाहमी अनाद और दुश्मनियों में बटे हुए लोगों में मैं इस पैगाम को आम करूं कि सिला रहमी करो करोगे तो रब ताला के साथ तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा सिला रहमी करोगे रब ताला तु भारे में फरावानियां पैदा फरमा देंगे सिला रहमी करोगे रब ताला तु उम्र के अंदर बरकतें फरमा देंगे और फरमाया कि दूसरा मेरा पैगाम दूसरा मेरा मकसद ये है वह कसर वहीद्र को भी शैया दुनिया ने इस वक्त जो सनम कदे बना रखे हैं बुत राश रखे हैं और अल्लाह को छोड़ के जिन बुतों की प्रस्तश करते हैं पूजा पाठ करते हैं मुझे ये हुक्म दिया गया है कि उन तमाम बुतों का कला कमा कर दो उन तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए मोहतरम भाइयों बुत बुत ही कहलाता है अल्लाह का गैर गैर ही कहलाता है चाहे उसको सामने बिठा के उसकी प्रस्तिश की जाए चाहे उसको लिटा के प्रस्तिश की जाए चाहे वो बुत नजर आने वाला है चाहे वह बुत नजर नहीं आता लेकिन जिसकी भी रब के अलावा प्रस्तश की जाती है पूजा पाठ की जाती है अपनी हाजात मुनाजात के लिए रब के गैर को पुकारा जाता है हर हाल में वो बुत है और बुत से मांगना उससे मुनाजात करना ये शिरक है और इसी शिरक का कला कमा करने के लिए नबी वसल्लम को रब ताला ने दुनिया के अंदर मबूस फरमा दिया है सातवां मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि जो है वो जुल्म और बेरा रवि का जो शिकार हो चुका था उसके अंदर अदल और इंसाफ का तराजू कायम करें जिस मुआरे के अंदर ये कानून था कि जिसकी लाठी उसी की बहस आप आके उस मेजान को उस अदल को कायम करें फरमाया सुरह हदीद की पच्चीस नंबर आयत है लकद और ना बिल बना हमने तमाम अम्बिया के राम को दलाइल वाजीम के साथ दुनिया के अंदर मबूस फरमाया वल मीज़ान हमने जहां अपने अम्बिया को किताबें दे के सहीफे दे के शरीत दे के भेजा है वही हमने अपने अम्बिया को मीजान तराजू कायम करने के लिए वो भी दे के भेजा है नास बिलक ताकि दुनिया के अंदर अदल का बोल बाला हो इंसाफ का दौर दौरा हो और फिर एक वक्त आता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खानदान की औरत का केस आता है और सिफारिश के तौर पे छोटे से बच्चे जनाब जैदी को बतौरे सिफारिश तैयार करके भेजा जाता है कि आप चूंकि बड़े लाडले हैं नबी रहमत ने आपको मुंह मोहल्ला बेटा बना रखा है आप जाके सिफारिश करते अल्लाह के रसूल ऊंचे खानदान की है बड़े वाली है, भले और ऊंचे खानदान की है, है। इससे चोरी का हो गया है। अगर आप इस पर भी हद कायम कर देंगे इसका हाथ काट देंगे तो प्यारे नबी खानदान के अंदर नाक कट जाएगी पूरा खानदान जो है पूरे मुआरे के अंदर बदनाम हो रह जाएगा नाक कट जाएगी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहाबी को डांट पिला दी और फरमाया कि क्या तुम अल्लाह की हुदूद में जो है वो लोगों की सिफारिश करना चाहते हो उस वक़्त आपने ऐसा कानून बयान फरमा दिया ऐसा जुमला इर्शाद फरमा दिया जो आज से कयामत तक आने वाली तमाम हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है आपने फरमाया कि ये तो बनु मखजूम कबीले की औरत है अगर फातिमा बिनते मोहम्मद मेरी लखते जीगर फातिमा हसनैन करीमैन की वालिदा और सैदनादी अल्लाह तहतरमा भी चोरी कर ले अल्लाह की कसम मोहम्मद करीम अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काटने से दरेग नहीं करेगा तो इस अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए अम्बिया रसुल को अल्लाह तुनिया के अंदर मबहूस फरमाया आठवा मकसद के अंदर पाई जाने वाली तमाम तर बुरा करने के लिए अल्लाह तम्बिया का सिलसिला जारी फरमाया मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने दीन का करना नहीं था। सिर्फ अल्लाह की दावत अल्लाह की इबादत की दावत देना ही मकसद नहीं था बल्कि माशरे के अंदर जितने भी फसाद पाए जाते थे जितने भी खराबियां पाई जाती थी तमाम तर खराबियों को रोकने के लिए और अपनी कौम की इसलाह करने के लिए रब ताला ने बिया को भेजा जैसा कि शुैब अली सलात अपनी कौम को मुखातिब होकर फरमाया करते थे इन उरीद। जितनी मेरे अंदरत रखती है मैं सिर्फ तुम्हारी असलाह की कोशिश करता हूँ और मूसा सलात ने अपने भाई हारून अलीसलातलम से कहा था वकूस हार एहारून, कौम के अंदर मेरे बन जाओ और अपनी कौम की की कोशिश करो सबील अल फसाद पैदा करने वाले लोगों के रास्ता कभी भी इख्तियार ना करना और यही वजह है कि जनाब सलाम के जमाने के अंदर फजूल खर्ची आम थी हर नबी ने जो जो उनकी कौम के अंदर खराबियां फसादात रूनमा हुए उन अम्बिया ने अपनी अपनी कौम को उन तमाम तर खराबियों से रोकने की कोशिश की साले सलातो सलाम की कौम में फजूल खर्ची बहुत ज्यादा थी उन्होंने अपनी कौम से इस अंदाज में मुखातिब हुए फतक अल्लाह से डर जाओ मेरी ताद कर लो वाली ओ इसराफ करने वाले हद फलांगने वाले फजूल खर्चियाँ करने वाले ना बनो

जनाबे सलाम ने अपनी कौम को डराया रास्ता निका की सूरत में बीविया तुम्हारे लिए पैदा कर रखी है तुम उस जायज रास्ते को छोड़ देते हो और ऐसा रास्ता इख्तियार करते हो जिसको रब तला ने हराम करार दिया है

नबी सलात की दुनिया में बेसत का मकसद लोगों के जितने भी मसायल हैं जितने भी दरपेष मसाइल हैं अल्लाह की किताब की रोशनी में उनका मुनासिब और बेहतरीन हल पेश किया जा सके मजीद में चौंसठ नंबर आयत में नाजिल की है उसका एक मकसद ये भी है किन्नास के अंदर जिन मसाइल में हो जाए आप इस किताब की रोशनी में रब तला के नाजिल करदा कवानीन की रोशनी में अपनी कौम के दरमियान इंसाफ कर सकें उस इख्तलाफ को हल कर सकें, उसका सद्देबाब कर सकें और दसवा इंसानों को हर गुलामी और हर किस्म की जंजीरों से आजाद करना था आरफ में रब फरमाते हैं ये लोग जिन चीजों की कैद में पड़ चुके हैं चाहे वो लोगों की गुलामी है चाहे ख्वाहिशात नफ्स की गुलामी है हर तरह की गुलामी से इबादी मिन इबादतल इबाद आपाद इला इबाद। कानून ये है कि बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर रब वाहद की बंदगी के लिए झुकाया जा सके और ग्यारहवा मकसद ये था कि जहां लोगों के दुनिया के मसाइल को हल करना है वही लोगों को उनकी असल दायमी अबदी जो जिंदगी आखरत की जिंदगी है उख, उस उखरवी जिंदगी के लिए तैयार करना मकसद है सलाम के बारे में सूर आराफ की उनसठ नंबर आयत में रब तला फरमाते हैं वलकद अरसल्ला कौमी और दूसरे मुकाम पे सूर अनाम के एक सौ नंबर आयत में जमी अम्बिया के बारे में फरमाया या माशार जिन्नी वाल इंस

उस वक्त मुजरिम ऐतराफ़ करेंगे शहीद ना, शहीदनाफुसिना आज हम अपनी जात के खिलाफ ही गवाही देने के लिए तैयार है गर्रत दुनिया। दुनिया की रंगीनियों में हम धोखे में आ गए व शहीदु वह शहीद कानू काफिरीन, और ये लोग एतराफ़ करेंगे कि हम ही हम ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे और बारवा मकसद बंदों पर इतमाम में हुज्जत कायम करना था कहीं ऐसा ना हो अंबिया को ना भेजा जाए और क्यामत के दिन जब रब ताला बंदों से सवाल करें कि बतलाओ दुनिया के अंदर मेरे अहकाम के मुताबिक अमल क्यों नहीं किया तो कहीं लोग ये एतराज ना कर दे लऊल और दुनिया के अंदर हम पर रसूल क्यों नहीं भेजे आके तेरे आयात के बारे में दर्श देते हम बच सकते अहबाब ग्रामी इन मकासद को सुन के हमें ये देखना है कि अम्बिया तो अपना मकसद दुनिया में आने का पूरा करके जा चुके और इन शब त के मेहमान बन चुके हमारे नबी सलाम को हमारी रिश्तो हिदायत के लिए जो भेजा गया था क्या हम आपकी बेसत का जो मकसद था आपके लाए हुए दीन की जो आबियारी है और आपकी सौंपी गई जो तालीमत हैं क्या उनके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं या उसको फरामोश कर बैठे हैं अगर तो अमल कर रहे हैं तो सच्ची बात है कि मुबारकबाद के हकदार हैं और अगर फरामोश कर बैठे हैं और सिर्फ दुनियावी टीप टाप को ही सारा कुछ निजात का जरिया समझ लिया है तो प्यारे भाइयों फिर हमें अपने लिए लम्हा फिक्रिया है अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए रब ताला हमें अमल की तोफीक ताफरमाए सुबह और